नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पी एस टी क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी का ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इस वीडियो में बिहार सचिवालय सहायक नई भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं। टोटल 3500 पदों पर यह बहाली निकल के आ रही है। जैसे कि आप देख लीजिए, सचिवालय सेवा संभाग में कुल स्वीकृत पदों की संख्या 5341 जबकि कार्यरत कर्मचारी महज 1780 हैं। बिहार सचिवालय सेवा के 2/3 पद खाली। तो दोस्तों यह वैकेंसी कब निकल के आ रही है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, सारी जानकारी वन बाय वन करके इस वीडियो में बताने वाले हैं। कौन कौन स्टूडेंट्स फॉर्म को भर सकता है, इससे पहले हमारे सिर्फ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके इस वीडियो में बता रहे हैं। जो बिहार सचिवालय सहायक नई भर्ती कब निकल के आ रही है, आप वीडियो में बने रहिए। देख लीजिए दोस्तों, आज के पेपर का न्यूज है, सचिवालय सेवा संभाग के कुल स्वीकृत पदों की संख्या 5341 जबकि कार्यरत कर्मचारी महज 1780 है। बिहार सचिवालय सेवा के 2/3 पद खाली। आगे देख लीजिए, बिहार में न केवल आईएएस आईपीएस और बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की कमी है बल्कि हर संभाग और हर विभाग में कर्मचारियों और अधिकारियों को कमी है। अगर बात बिहार सचिवालय सेवा संभाग की करें तो इस संभाग में लगभग 2/3 पद खाली है। इस संभाग के कुल स्वीकृत पदों की संख्या 5341 है जबकि कर्मियों की संख्या मात्र 1780 ही है। बिहार सरकार के 44 विभागों में सचिवालय सहायकों के लगभग 2509 पद खाली है। सचिवालय सेवा कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि लगातार प्रमोशन की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके संभाग से प्रमोशन से स्वीकृत उच्च पद खाली पड़ा हुआ है, मसलन निर्देशक उप सचिव और अपर सचिव स्तर के, जिन्हें भर जाना चाहिए। आगे देख लीजिए, बिहार प्रशासनिक सेवा के कुल स्वीकृत पद 1634, वर्तमान में कार्यरत 1111 पद ही कार्यरत है। देख लीजिए, इसमें 1634 पद स्वीकृत है जिसमें 1111 पद ही पर ही कार्यरत है, बाकी सब खाली है। राज्य में बिहार प्रशासनिक सेवा के कुल स्वीकृत पद 1634 है जबकि वर्तमान में कार्यरत 1111 अधिकारी, यानी अब भी स्वीकृत पदों की संख्या की कुल तुलना में 523 पद खाली है। इसमें देख लीजिए, आईएएस में पदोन्नति के लिए 65 अधिकारियों की सूची तैयार है। प्रमोशन के पद के अधिकारियों के पद भी खाली हो जाएंगे, प्रमोशन हो जाएगा तो और भी पद खाली हो जाएगा। देख लीजिए इधर, सचिवालय संभाग के कुल स्वीकृत पद और खाली पद, निदेशक का 15 स्वीकृत पद है जिसमें खाली है, 15 खाली है। उप सचिव का 101 पद है, देख लीजिए स्वीकृत पद, जिसमें 101 पद खाली है। अपर सचिव के 307 है जिसमें देख लीजिए 307 के 307 ही खाली है। प्रशाखा पदाधिकारी के लिए देख लीजिए 1023 पद में 284 ही कार्यरत है। सहायक के लिए 3905 है जिसमें 1494 कार्यरत है। कुल देखिए 5341 पदों में स्वीकृत पदों में 1780 ही कार्यरत है, बाकी पद खाली है। आगे देखिए, राज्य में आईएएस अधिकारियों की भारी कमी है। देख लीजिए, आईएएस अधिकारियों की कमी है, कुल 359 पद में से 248 पद आईएएस अधिकारी, देख लीजिए 359 में 248 पदों पर ही कार्यरत कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनमें 30 अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पद पर हैं। आगे देखिए, 212 आईएएस अधिकारी के सहारे काम हो रहा है बिहार में, बाकी पद खाली है। तो दोस्तों देख लीजिए, सचिवालय सहायक में 2/3 पद खाली है, यह वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। और इसमें अगर मान लीजिए 1360 अगर बिहार सचिवालय थर्ड को अगर सीजीएल थर्ड को अगर जोड़ भी देते हैं, फिर भी देखिए इसमें कितना पद, 3000 के आसपास पद अभी खाली है। तो दोस्तों आई होप कि हम सारी जानकारी वन बाय वन करके बता दिए, यह वैकेंसी आपको अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में देखने को मिल जाएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जैसे ही विभाग की तरफ से कोई भी अपडेट आएगा, वीडियो बनाएंगे, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। थैंक यू।